नमस्कार दोस्तों, आप सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम छोटे बच्चे का आस्तीन लेके आए हैं। इसमें हम बताएंगे कि इसमें कितने फंदे पड़ेंगे, फंदे कैसे बढ़ेंगे, कैसे कटिंग की जाएगी और शेप कैसे दिया जाएगा। देखिए इसका शेप कितना अच्छा आया है, ये जाके मुड्ढे में अपने आप ही फिट हो जाएगा। कितने फंदे लिए हैं, फंदे कैसे बढ़ाए हैं और घटाई कैसे की है, शेप कैसे दिया है, इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो शुरू करते हैं। आस्तीन बनाने के लिए हम 10 नंबर की सिलाई लेंगे और वूल को 3 टाइम फोल्ड करेंगे। 2 हुआ और 1 फोल्ड और, तो ये हमने 3 फोल्ड कर लिया है। अब सिलाई को इसमें डालेंगे ऐसे और मोटे वाले धागे को दाहिने हाथ से पकड़ लेंगे। अब हम 43 डिजाइनर फंदे डालेंगे। एक ये हमारा हो गया है। मोटे वाले धागे को हम दाहिने हाथ में लेंगे और उंगली को ऐसे नीचे लाके एक ऐसे लूप बनाएंगे और सिलाई में डालेंगे। बाएं सिलाई वाला धागा है, बाएं हाथ वाला धागा सिलाई पे चढ़ाएंगे, लूप को वापस सिलाई से बाहर कर लेंगे। ये दूसरा फंदा हो गया। अब उंगली को अंगूठे को धागे के नीचे लाएंगे और सिलाई के ऊपर ऐसे रख देंगे। वापस बाएं हाथ वाले धागे को सिलाई पर ऐसे लपेटेंगे और इसे वापस सिलाई से बाहर निकालेंगे, खींच लेंगे। ये हो गया तीसरा फंदा। फिर से देखिए, मैं डिजाइनर फंदों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप देख लीजिएगा। तो हम कुल 43 डिजाइनर फंदे डालेंगे। तो हमने 43 डिजाइनर फंदे डाले हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 यानी 40 और ये 3 43 स्टिचेस। तो 43 फंदे थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन हम चूंकि टी शर्ट का आस्तीन बना रहे हैं इसलिए आस्तीन बहुत चिपका हुआ नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए 43 फंदे सफिशियंट है। तो अब हम इसमें बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर बनाने के लिए पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे, अगला फंदा स्लिप कर लेंगे, नेक्स्ट फंदा उल्टा, अगला फंदा स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदे को उल्टा बनाएंगे, अगला स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदा उल्टा, स्लिप उल्टा, स्लिप उल्टा। तो इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो पूरी लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। उल्टा स्लिप किया, उल्टा बुना स्लिप किया, उन हमेशा अपनी तरफ ही रहेगा। उल्टा बुना स्लिप किया और उल्टा बुना, तो हमने पहली लाइन कंप्लीट कर लिया। अब रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो हमने दूसरी लाइन में रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बना लिए, तो दो लाइन कंप्लीट हो गया। अब ये बॉर्डर का तीसरा लाइन है और सामने से। तो पिछली लाइन में यानी पहली लाइन में हमने पहला फंदा उल्टा बुना था, तो
तीसरी लाइन में हम पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे और दूसरे फंदे को स्लिप किया था तो इसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए तीसरे फंदे को उल्टा बुना था तो इसे हम स्लिप कर लेंगे और ये जो फंदा स्लिप किया गया था तो इसे हम उल्टा बुन लेंगे। यानी पहले लाइन में जिस फंदे को उल्टा बुना गया था तीसरे लाइन में उस फंदे को स्लिप किया जाएगा और जिस फंदे को स्लिप किया गया था उस फंदे को उल्टा बुना जाएगा। धागा हमेशा अपनी तरफ ही रहेगा। उल्टा बुना, अगले फंदे को स्लिप किया। देखिए ये फंदा हमने स्लिप किया था, धागा देखिए ये हमारा स्लिप किया हुआ धागा है, तो इस वाले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे और ये उल्टा बुना हुआ फंदा है तो इसे हम स्लिप करेंगे। तो एक फंदे को उल्टा बुनते हुए अगले फंदे को स्लिप करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। चौथी लाइन और रॉन्ग साइड, तो सभी फंदे उल्टे बना लिए जाएंगे। तो चौथा लाइन कंप्लीट हो गया। पांचवा लाइन फिर पहले लाइन की तरह बनाया जाएगा, यानी पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे और दूसरे फंदे को भी स्लिप करेंगे। पहले फंदे को चाहे तो हम उल्टा बुन लें या फिर इसे स्लिप करें, दूसरे फंदे को भी हमें स्लिप करना होगा। देखिए ये फंदा हमने उल्टा बुना था पिछली लाइन में, यानी तीसरी लाइन में इस फंदे को हमने उल्टा बुना था, तो इस लाइन में पांचवी लाइन में इसे स्लिप करना होगा और ये फंदा जो स्लिप किया गया था इसे उल्टा बुनना होगा। तो उल्टा बुना, नेक्स्ट फंदे को स्लिप किया, फिर उल्टा बुना, नेक्स्ट फंदे को स्लिप किया। तो हमने एक फंदे को उल्टा बुनते हुए, अगले फंदे को स्लिप करते हुए, नेक्स्ट फंदे को उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लिया और हर उल्टी लाइन में सभी फंदे उल्टे बनाए जाएंगे। तो इस तरह 20 लाइन का बॉर्डर बनेगा। तो 20 लाइन का बॉर्डर बना के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 20 लाइन कंप्लीट हो गया और ये बॉर्डर पूरा हो चुका है। तो अब हम डिजाइन बनाने के लिए दूसरा धागा अटैच करेंगे। बॉर्डर बनाने के बाद हम यहाँ पे फंदे बढ़ाते हैं, चूंकि मेरा डिजाइन ऐसे फैलने वाला है तो फंदे दो तरह से बढ़ाए जाते हैं। या तो पांच फंदे आप यहाँ पे तत्काल बढ़ा लीजिए, थोड़ी थोड़ी दूर पर पहला फंदा छोड़ के दूसरे फंदे में कुछ फंदे छोड़ के नेक्स्ट फंदे में, फिर बीच में, फिर यहाँ पे और लास्ट में, सेकंड लास्ट में ऐसे फंदे बढ़ा लेते हैं, पांच फंदे हम बढ़ा लेते हैं। या फिर दूसरा तरीका होता है कि बॉर्डर बनाने के बाद अगली लाइन में एक फंदे इस साइड में और एक फंदे इस साइड में बढ़ाए जाते हैं और फिर हर सातवीं लाइन में फंदे बढ़ाए जाते हैं। और जब आप पांच फंदे पहली लाइन में बढ़ा लेंगे, बॉर्डर के बाद पहली लाइन में पांच फंदे बढ़ाएंगे, तो फिर आप 13-14 लाइन तक कोई भी फंदे नहीं बढ़ाएंगे, बस अपने डिज़ाइन को एज इट इज़ आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन मेरा ये जो डिज़ाइन है वो फैलने वाला डिज़ाइन है, इसलिए मैं एक भी फंदे बॉर्डर बनाने के बाद इस लाइन में मैं एक भी फंदे नहीं बढ़ाऊंगी, ना साइड में और ना बीच में, कहीं भी एक भी फंदे नहीं बढ़ाऊंगी, बस अपने पैटर्न को चालू रखूंगी। और तीन डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद, एक दो तीन डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद दोनों साइड में एक एक फंदे बढ़ाऊंगी। तो तीन डिज़ाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा मैं इस डिज़ाइन के बारे में बता दूँ, तो बॉर्डर कंप्लीट होने के बाद हमने अपना सेकेंडरी कलर अटैच कर लिया और सभी फंदे सीधे बुन लिए और रॉन्ग साइड से पहले और आखिरी फंदे को छोड़कर बाकी फंदे सीधे ही बुने जाएंगे, जिससे उल्टे फंदे की एक धारी आ गई। ये हमारे डिज़ाइन का बेस लाइन है। अब तीसरे लाइन से डिज़ाइन शुरू होता है और चार लाइन प्राइमरी कलर के उनसे प्लेन बनाएंगे। देखिए ये हमने चार लाइन प्लेन बना लिया है। अब पांचवी लाइन में
इस बेस लाइन को छोड़कर पांचवी लाइन में हम वापस अपने सेकेंडरी कलर के ऊन से तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो और तीन, और चौथे फंदे को हम ड्रॉप कर लेंगे और सेकेंडरी कलर का जो हमारा ये फंदा है यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे और इसमें सिलाई डाल के एक लूप निकालेंगे। नेक्स्ट तीन फंदे हम सीधा बुनेंगे, फिर चौथे फंदे को हम ड्रॉप कर लेंगे और ये हमारे सेकेंडरी कलर का जो लाइन गया है यहाँ तक पहुँचेंगे, फंदे में सिलाई डालेंगे और एक लूप निकालेंगे, इसको हम सीधा बुन लेंगे। नेक्स्ट तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे और चौथे फंदे को ड्रॉप करेंगे। तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे, तीन फंदा सीधा और चौथे फंदे को ड्रॉप करना है। डिज़ाइन बहुत ही आसान है और बहुत ही खूबसूरत बनता है। डिज़ाइन थोड़ा फैलता है इसलिए हम फंदे कम डालते हैं। अब चूंकि बॉर्डर हमको ढीला रखना है इसलिए हमने बॉर्डर में ज़्यादा फंदे रखे और यहाँ पे कोई फंदे नहीं बढ़ाए, तो तीन फंदे ड्रॉप करते हुए, तीन फंदे सीधा बुनते हुए और चौथे फंदे को ड्रॉप करते हुए लूप निकालकर सीधा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो शुरुआत में भी तीन फंदे सीधे हैं और लास्ट में भी तीन फंदे सीधे बचेंगे और हमारा डिज़ाइन अच्छी तरह सेट हो जाएगा। रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, शेष फंदे को सीधा बुनेंगे और लास्ट फंदा उल्टा। अब फिर हम चार लाइन अपने प्राइमरी कलर के ऊन से सभी फंदे आगे से सीधे और पीछे से उल्टे बुनेंगे, यानी चार लाइन प्लेन बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। तो चार लाइन हमारा प्राइमरी कलर से कंप्लीट हो गया है। अब पांचवे लाइन में सेकेंडरी कलर के ऊन से, तो पिछली बार हमने तीन फंदे सीधे बुने थे, इस बार हम पांच फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच, और छठे फंदे को ड्रॉप करेंगे। ये देखिए छठा फंदा जो है ये बीच तीन फंदों में के बीच का फंदा है, यानी दूसरा फंदा है, तो इसे हम ड्रॉप करेंगे, फंदे में सिलाई डालेंगे और सीधा फंदा बना लेंगे। नेक्स्ट तीन फंदे सीधे, चौथे फंदे को हम ड्रॉप करेंगे और फंदे में सिलाई डालेंगे और सीधा फंदा बना लेंगे। देखिए लूप निकाला, सीधा फंदा बन गया। नेक्स्ट तीन फंदे सीधे और चौथे फंदे को ड्रॉप करेंगे। तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड से सभी फंदे सीधे बुन लिए जाएंगे, पहले और आखिरी फंदे को छोड़ के। देखिए फ्रेंड्स, मैंने तीन डिज़ाइन बना लिया है और डिज़ाइन की वजह से, चूँकि ये खुलने वाला डिज़ाइन है, देखिए खुद ब खुद शेप आ रहा है। तो अब हम तीन डिज़ाइन बनाने के बाद अब हम यहाँ पे अब फंदे बढ़ाएंगे। तो प्राइमरी कलर से पहला फंदा सीधा बुना। अब देखिए फंदे बढ़ाने की कई विधियाँ हैं, या तो आप यूं करके ऐसे एक फंदा बढ़ा लीजिए, या फिर ऊन अपनी ओर करके अगले फंदे को मतलब जाली देते हुए बढ़ा लीजिए, या फिर और लौटते समय इसे ऐसे घुमा के बुन लिया जाएगा तो एक फंदा बढ़ जाएगा। अगले फंदे को दो बार बुनेंगे, एक बार सीधा बुनेंगे और इसी को ऐसे एक बार पीछा बुनेंगे तो भी एक फंदा बढ़ जाएगा, लेकिन मैं बढ़ा रही हूँ, देखिए ये उल्टा फंदा बना हुआ है। तो पहले मैं इस वाले में ऐसे सिलाई डालूँगी, एक फंदा ऐसे सीधा बुन लूँगी और फिर जो फंदा सिलाई में है उसमें सिलाई डालूँगी और एक फंदा बुन लूँगी। तो ये देखिए एक ही फंदे से हमारा दो फंदा बन गया, यानी एक फंदा बढ़ गया। अब
शेष फंदे सीधा बुनते हुए लास्ट के दूसरे फंदे पे पहुंचूंगी। अब इस साइड भी हमें फंदे बढ़ाने हैं, तो देखिए ये जो उल्टे फंदे का ये आया है इसमें हम सिलाई डालेंगे, एक सीधा फंदा बना लेंगे, फिर जो सिलाई में फंदा है इसे सीधा बुनेंगे। ये हमारा एक फंदे से दो फंदा बढ़ गया, एक फंदा यहाँ पे बढ़ गया, लास्ट फंदा सीधा और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो हमने दोनों साइड से एक एक फंदे बढ़ा लिए। तो हमने सभी फंदे उल्टे बुन लिए। इस लाइन में हमें कोई फंदे सीधे कोई फंदे नहीं बढ़ाने हैं, अपने डिजाइन को आगे बढ़ाना है, यानी सभी फंदे सीधे बुनेंगे और लौटते समय सभी फंदे उल्टे। इस लाइन में भी हम कोई फंदे नहीं बढ़ाएंगे, बस अपने डिजाइन को आगे बढ़ाएंगे। तो सेकेंडरी कलर के ऊन से अब देखिए इस फंदे को हमने ड्रॉप किया है, यानी पांचवें फंदे को, तो ये तीन फंदा बीच में आ जाएगा, यानी कि ये तीसरा फंदा इसे हमें ड्रॉप करना होगा। तो दो फंदा हम सीधा बुनेंगे और तीसरे फंदे को ड्रॉप कर देंगे। उठा के इसे सीधा बुन लेंगे और फिर देखिए ये फंदा हमारा बीच में आ गया, तो तीन फंदे सीधा बुनेंगे, एक दो तीन, और चौथे फंदे को ड्रॉप करेंगे। तो इसी तरह तीन फंदा सीधा बुनते हुए चौथे फंदे को ड्रॉप करके फिर सीधा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और रॉन्ग साइड से सभी फंदे सीधे, पहले और आखिरी फंदे को छोड़ के सभी फंदे सीधे, पहला और आखिरी फंदा उल्टा। अब ये हमारा सातवां लाइन है। पहली लाइन में हमने फंदे बढ़ाए थे, दूसरी लाइन में लौटते समय कोई भी फंदे नहीं बढ़ाए, तीसरी लाइन में भी फंदे नहीं बढ़ाए और पांचवी लाइन में भी कोई फंदे नहीं बढ़ाए। अब ये हमारा सातवां लाइन है, इस लाइन में हमें फंदे बढ़ाने हैं और इसे काउंट करेंगे पहला लाइन। ये फंदे हम उसी तरह बढ़ाएंगे, ये उल्टे वाले फंदे में ऐसे सिलाई डालेंगे, एक सीधा फंदा बना लेंगे और उसके बाद जो सिलाई में फंदा है उसे बुन लेंगे। एक फंदा बढ़ गया और शेष सभी फंदे सीधे बुनते हुए लास्ट के दूसरे फंदे में हम फिर फंदा बढ़ाएंगे। तो ये सातवां लाइन है और इस लाइन में हमने फंदे बढ़ाया, तो इसे हम पहला लाइन काउंट करेंगे, यानी अब हर सातवें लाइन में हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो सातवें लाइन में फंदे बढ़ाएंगे, बहुत ही खूबसूरत शेप आएगा। और अब फिर ये हम इस साइड भी एक फंदा बढ़ाएंगे, तरीका वही रहेगा और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो हर सातवीं लाइन में फंदे बढ़ाते हुए और अपने डिजाइन को आगे बढ़ाते हुए पूरी लंबाई कंप्लीट कर लेंगे। तो लंबाई कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने लंबाई पूरी कर ली है और बॉर्डर के साथ इसकी लंबाई है 11.5 इंच, 11.5 इंच। तो अब हम इसमें फंदे घटाएंगे। तो जैसा हमने मुड्ढे घटाए थे समय घटाया था, यानी कि तीन एक घटाया, दूसरा फंदा, और इसको भी हम साथ लेते चलेंगे वरना ये यहीं छूट जाएगा, और तीसरा फंदा। तो हम जैसे मुड्ढे में हमने फंदे घटाए थे 3, 2, 1, उसी तरह हम आस्तीन में भी फंदे घटाएंगे। तो हमने तीन फंदे घटा दिए, शेष फंदे सीधा बुनते हुए हम दूसरी तरफ आ जाएंगे। तो अब हम दूसरी तरफ आ गए हैं, दूसरी तरफ भी हम तीन फंदे घटा देंगे। पहला फंदा उतारेंगे, अगले फंदे को उल्टा बुनेंगे, पहले वाले फंदे को दूसरे वाले फंदे पे चढ़ा देंगे। एक फंदा घट गया, दो,
तीन, तो तीन फंदे घट गए, शेष फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे और लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने दोनों साइड में तीन तीन फंदे घटा लिए हैं। अब इस लाइन में हम दो दो फंदे घटाएंगे। पहला फंदा उतारा, अगले फंदे को सीधा बुन लिया, पीछे वाला फंदा आगे वाले पे चढ़ा दिया, एक दो, दो फंदे घट गए। शेष फंदे को हम सीधा बुनते हुए दूसरी तरफ आ जाएंगे। अब हम दूसरी साइड भी दो फंदे घटा देंगे, एक घटाया और ये दूसरा, और शेष फंदे उल्टा बुनते हुए हम लाइन कंप्लीट कर लेंगे। इस लाइन में हमें एक फंदा घटाना है और डिजाइन को भी बनाना है। एक फंदा घटा लिया, अगले फंदे को सीधा बुना, नेक्स्ट फंदे को हमें ड्रॉप करना है। फिर तीन फंदा सीधा, नेक्स्ट फंदे को हमें ड्रॉप करना है। तो डिजाइन बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करके दूसरी साइड में हम आ जाएंगे। और अब दूसरी साइड भी हम एक फंदे घटा लेंगे। तो हमने तीन, दो और एक करते हुए दोनों साइड में आस्तीन घटा लिया है, और इतने ही फंदे हमने स्वेटर के मुद्दे में भी घटाए थे। तीन दो एक करके हमने फंदे घटाए थे। अब हम आस्तीन की अच्छी सी शेप लाने के लिए तीन तीन फंदे दोनों साइड से घटाएंगे। तो हम तीन फंदे घटाएंगे, सीधा बुनते हुए जाएंगे, वापस में तीन फंदे घटाएंगे, उल्टा बुनते हुए आएंगे, फिर हमें सीधा बुनना है, तीन फंदे घटाएंगे, सीधा बुनते हुए जाएंगे, वापस में भी तीन फंदे घटाएंगे, उल्टा बुनते हुए जाएंगे। तीसरी सीधी लाइन में हमें डिजाइन बनाना है और तीन फंदे घटाने भी हैं। तो हम डिजाइन भी बनाएंगे और तीन फंदे घटाते हुए डिजाइन भी बनाएंगे और बुनते हुए दूसरी तरफ आएंगे और लौटते हुए वापस तीन फंदे घटाएंगे और सभी फंदे सीधे बुनते हुए डिजाइन जो हमारा पैटर्न है उसको कायम रखेंगे। तो इतना करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये सुंदर सा शेप आ गया। तो अब हमें सेकेंडरी कलर का कोई काम नहीं है, इसे हम काटेंगे और गांठ लगा लेंगे। और अब अपने प्राइमरी कलर से सारे फंदे सीधा बुनते हुए घटा देंगे। हाथ न बहुत टाइट रखेंगे और न ही बहुत ढीला रखेंगे, नॉर्मल हाथ रखते हुए सभी फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे। तो सभी फंदे बाइंड ऑफ करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सभी फंदे बाइंड ऑफ हो चुके हैं। अब हम इस फंदे में से धागे को, वूल को निकाल लेंगे और इसे हम टाइट कर लेंगे, और इसके साथ ही हमारा ये आस्तीन बनके तैयार हो गया। अब हम स्वेटर में इसकी सिलाई कर देंगे और इसके साथ ही हमारा स्वेटर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।